पिछले एक माह से अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत उपनल और मनरेगा कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांगों की सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में उनकी मांगों का संज्ञान लेने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन पर राज्यपाल ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया, तो आज घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य भड़क गए और सरकार पर मनमानी के आरोप लगाए। पिछले डेढ़ माह से अपनी मांगों को लेकर मनरेगा और उपनल कर्मचारी सड़कों पर हैं। उनकी अपनी नियमितीकरण की मांग पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। आज घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य राजभवन के बाहर उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल और सरकार पर उनकी बातों का संज्ञान न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग कई सालों से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। राज्यपाल ने भी उनको मिलने का समय नहीं दिया। यह सरकार मनमानी कर रही है। इस सरकार की ये नीति रही है कि जब जनता अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखती है तो सरकार पुलिस को मोहरा बनाकर आगे खड़ा कर देती है। एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते वो जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उपनल कर्मियों का नियमितीकरण करो, मनरेगा उपनल कर्मियों का नियमितीकरण करो, महामहिम राज्यपाल न्याय दो। ये ऐसा है कि विगत डेढ़ महीने से जिन्होंने 15-16 साल तक अपने जीवन को खपाया है सरकार और जनहित में, हमारे मनरेगा और उपनल कर्मी जो है डेढ़ महीने से अपना धरना आंदोलन कर रहे हैं। तमाम स्तर पर पहल करने के बावजूद भी उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। और चूंकि हम लोग जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमने माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे मनरेगा और उपनल कर्मी जो हैं इनका नियमितीकरण किया जाए, और इस मांग को लेकर आज हम राजभवन पर बैठे हैं। लेकिन महामहिम राज्यपाल द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया। हमको टाइम भी दिया जा सकता था, लेकिन इस सरकार की नीति है कि जब जब जनता जो है अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाती है तब तब ये सरकार पुलिस को मोहरा बना के आगे खड़ा कर देती है। और वही आज हमारे साथ यहाँ राजभवन में हो रहा है। हमको अपनी हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम जनता की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अपने सम्मानित कर्मचारी जो अल्प मानदेय पे उपनल और मनरेगा कर्मी वर्षों से 16-17 सालों से सरकार की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी मांग को लेकर यहाँ पर बैठ रहे हैं और इस पर हम लोग अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रखेंगे।